तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है। एक बॉडी है जो यम से मूव कर रही है, यानी हॉरिजेंटल ऑफ सरफेस, और ये स्लाइड कर रही है। कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें कहते हैं कि जो सरफेस है, जिस सरफेस पे ये स्लाइड कर रही है, ये जो सरफेस है वो कुल कितना फोर्स इस पे लगाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती है वो नॉर्मल फ्रिक्शन जो होता है, फंडामेंटल फोर्स नहीं है। अगर ये भी वेलोसिटी से इधर कर जा रहा तो इस पे फ्रिक्शन जो है वो इधर लगेगा, और स्लाइड करा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के एन। और ये इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फंडामेंटल फोर्स नहीं है, और नॉर्मल जो है इस पे ऊपर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो यही दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं जो कि सरफेस लगाएगा इस पे, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट है वही पूछा जा रहा है। नेट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई बाय द ग्राउंड, वो इधर कहीं आएगा और वही हमें चाहिए नेट फोर्स। दिस इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स या नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड बाई द ग्राउंड या सरफेस, एफ इज इक्वल टू नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना, वट एवर जो भी है। तो यही सरफेस फोर्स लगा, नॉर्मल जो है वो एम जी के बराबर होगा यहाँ, और फ्रिक्शन जो है वो म्यू एन के बराबर होगा और अंडर रूट, ठीक ना। ये एम जी इस पे नीचे लगेगी, एम जी इस पे नीचे लगेगी, और यहाँ से एम जी और प्लस म्यू, यहाँ से एम जी की वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट, यहाँ से इन सब का स्क्वायर भी है, ये वाला स्क्वायर टर्म भी है। तो अगर मैं देखता हूँ इसको, तो एम जी यहाँ से बाहर आ जाता है, वन प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाई दिस सरफेस ऑन द ब्लॉक, और जो कि यहाँ से हॉरिजेंटल से कुछ अल्फा डिग्री पे ऊपर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।